मतलब यहाँ का थोड़ा सा ट्रैफिक रूल जो है ना मुझे समझ। भाई अपने मेन रोड छोड़ के ये एक सौ, अगर यहाँ से नीचे गए तो कहाँ गए? यहाँ पे बाइक खड़ी करके पूरी सिटी दिख, 1000 फीट के ऊपर हम धोखा हो गया, हम कैश कैरी नहीं किया बिल्कुल। सुबह सुबह पराठा और आ गया है और बैठ के आंटी के साथ खा रहे हैं पराठा। आंटी पराठा बहुत अच्छा है। अच्छा, थैंक यू। और वेलकम बैक गाइज, गुड मॉर्निंग। हम नहा धो के रेडी होके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आज जाएंगे घूमने के लिए मसूरी की तरफ। तो पहले ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे यहाँ से। स्माइल करो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम निकल चुके हैं भद्राज टेम्पल करके एक जगह है मसूरी के अंदर वहाँ जाने के लिए। और आज हम एक ही बाइक पे जा रहे हैं क्योंकि जो कल बुलेट पे चल रहे थे ना उनकी बुलेट पे चलने की सरदार नहीं बची है, तो इसलिए हमने सोचा कोई नहीं भाई, मैंने कहा एक्सपल्स पे बैठ लो, एक्सपल्स पे चल लेते हैं। तो अभी पीछे बैठे हैं ये देखो, ठीक है। और हम जा रहे हैं अभी भद्राज टेम्पल करके जगह है जो मसूरी के अंदर है और बोला जा रहा है कि बहुत दूर है, काफ़ी लोग नहीं जाते वहाँ पे, लोगों को पता भी नहीं है ऐसा कुछ है, मतलब लोकल को ही पता है कि वो ऐसा ऐसा टेम्पल है। और मसूरी का सबसे टॉप है, बिल्कुल टॉप मसूरी का सबसे टॉप है, मतलब देहरादून मसूरी का सबसे टॉप जो जगह वही है। तो मसूरी और देहरादून का सबसे टॉप जो जगह है वो भद्राज टेम्पल है, भद्राज टेम्पल। हाँ, तो वहाँ के लिए निकल, भाई जो बलराम थे उन्होंने वहाँ पे तपस्या करी थी तो वो उनका स्थान है वहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ जा रहे हैं और यही गलियों में से निकल रहे हैं। गलियाँ कल इसी रूट से गए थे जहाँ पे गए थे मैगी पॉइंट हो ना, तो वो रात में था, अभी हम दिन में जा रहे हैं। अभी मैगी पॉइंट से ऊपर जाएंगे ना तो ये सामने पहाड़ वहाड़ देखना स्टार्ट हो गया और ये रास्ता स्टार्ट हो गया पहाड़ों वाला, ठीक है। अभी ऐसे लीन होगी बाइक इधर उधर, लीन तो नहीं करेंगे, आराम से। मतलब यहाँ का थोड़ा सा ट्रैफिक रूल जो है ना मुझे समझ नहीं आया क्योंकि ना कोई भी कहाँ से घुस जा रहा कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी को भी कहीं जाना है तो वो वहाँ से कुछ भी नहीं देखेगा घुस जाएगा, तो ये थोड़ा समझ नहीं आया। बट ठीक है यार, क्लीन है, अच्छा है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ का शिव मंदिर है फेमस, हम आते टाइम देखते जाएंगे आपको अच्छे से दिखाते जाएंगे, बट अभी यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि जहाँ हमें जाना है ना वो थोड़ा दूर है और वहाँ पहुँचना ही मतलब सबसे बड़ा एक टास्क है, सब यही बोल रहे हैं। और मतलब टूरिस्ट भी बहुत, कल चलते हो क्या? जो रात को मैगी और चाय वो रहा वो पॉइंट, और हम ऐसे ऊपर आ गए, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। जो हमारी लोकेशन है अभी यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर और ऊपर है और मैगी पॉइंट वो रहा नीचे, तो हम और ऊपर जा रहे हैं, आपको आज के ऊपर के नज़ारे दिखा रहे हैं। हम भाई अपने मेन रोड छोड़ के ये एक शॉर्टकट अपनाया है और ये शॉर्टकट पता नहीं ऐसा लग रहा है एकदम ही पूरा अपहिल। ओ भाई मेन रोड उधर रह गया, हमको ये रूट पकड़ाया। ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो? इसके साइड वाइड कुछ नहीं है, वॉल वॉल। और भाई इस लड़की ने ही बोला कि इस वाले रास्ते पे चलो, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। भैया किधर जाओगे? इधर सब आड़े टेढ़े चलते हैं लोग, तो वैसे भी और जिनको पता है रूट उनके लिए बहुत स्मूथ है, रेगुलर चलाते हैं ना लोग। अगर यहाँ से नीचे गए तो कहाँ गए? कहीं नहीं, मेन रोड पे। गाइस यहाँ से अगर नीचे गए तो मेन रोड पे, बट इतनी हड्डियाँ टूटेगी कि जुड़ने लायक नहीं बचेंगे, है ना। लोकल बंदा पिकअप लेके जा रहा, बट ये अपना ये अब धीरे करेगा नहीं, कहीं तो साइड दे दे भाई। अब इससे साइड मिल गई, थैंक यू भैया, साइड मिल गई और फाइनली थोड़ी सी दीवार मिली है। तो भाई वहाँ से हम आए ऐसे, ये रोड तो चढ़ रही है ऊपर, वहाँ से हम आए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे बाइक खड़ी करके पूरी सिटी दिखती है। ये देखो लोकल साथ में जब रहते हैं ना तब आपको अच्छी अच्छी जगह दिखती है, आप अच्छी अच्छी जगह शूट भी कर सकते हो। हम वहाँ से आए थे, देखो पूरा देहरादून दिखा, और यहाँ से अगर थोड़ा उधर जाओ तो आप नीचे भाई वहाँ पे पहुँच जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हाँ, तो बहुत मतलब देहरादून पूरा ऐसे फैला हुआ है ना, हाँ घाटियों के बीच में, मतलब पूरा ऐसे देखो वहाँ तक भी सिटी दिख रही है भाई, सही है। और अपनी एक्सपल्स कैसी लग रही है आप चेक करो गाइस, यहाँ से देखो आई हाई बहुत सही दिख रही ना जी, सही है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी जगह हमें दिखाई।
नहीं किया उस सब फॉलो करो भाई इंस्टाग्राम पे, अपना आईडी आ जाएगा स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये देखो भाई साहब पूरा देहरादून दिख रहा है और ये खड़ी अपनी बाइक। तो जो हम अभी महादेव जी का मंदिर जो कह रहे थे ना वो नीचे वाला, ये वाला महादेव जी का मंदिर है, यहाँ से ऐसा दिख रहा है, नीचे से इतना दिख नहीं रहा था। तो मैं ऊपर आ गया, हम यहाँ पे टॉप पे आने के बाद ये देखो इतना दूर है, तो हमने ऐसे जूम किया और ऐसे दिखा दिया आपको। और हम अभी एकदम टॉप पे आए हुए हैं, पूरा ये दिख रहा है देखो देहरादून नीचे। और अपनी बाइक ये खड़ी, हमने कुछ स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे, रोड पे हम आ गए। शॉर्टकट है ये ना? ओ भाई हमने काफ़ी रास्ता छोड़ दिया, मतलब ये शॉर्टकट मार के यहाँ पहुँच गए। और ये अंकल आ रहे देखो गोली की तरह, ठीक है भाई। और ये इनोवा वाला आ रहा है गोली की तरह, कोई हॉर्न नहीं कुछ नहीं कुछ, ये कम कचरे का कंप्रेस करके ये वाला स्टैंड बनाया बैठने के लिए। और हम रुके हैं, ये व्यू पॉइंट है। तो भाई यहाँ से व्यू इतना कुछ खास नहीं दिख रहा, बट पहाड़ दिख रहा पूरा, और इधर पहाड़ के ऊपर घर दिख रहा। ओ भाई साहब ऊपर भी पूरे घर है देखो, भयंकर। अभी तो हम चढ़े ही नहीं है पहाड़ पे, हैं? एक चीज और पता चली, हम ऐसे रुकते रुकते जा रहे, तो ये बोल रही है कि अभी तुम ऐसे रुकते रुकते जा रहे हो, अभी तो तुम मसूरी भी नहीं पहुंचे हो, अभी मसूरी पहुंचना है, मसूरी के बाद ऊपर जाना। और मैं मसूरी से डेढ़ घंटा आ गया, मसूरी से डेढ़ घंटा आगे जाना है। ओ भाई साहब मैंने सोचा मसूरी में ही होगा, धोखा हो गया ब्रो। चलो फिर जल्दी चलते हैं, आप लोगों को कुछ दिखाने का वादा किया तो दिखाएंगे, मतलब जाएंगे भाई, आए हैं तो घूमेंगे, समझ रहे हो। अब देखो तुम राइडर कैसे चलाते हो भाई, क्या खड़ी चढ़ाई है। ये भैया बाइक का भी रास्ता नहीं है, भैया नीचे से बंद कर देता ना फिर। भाई बंद है, नीचे ही बंद है, कहाँ है, खुला था बाइक का तो। गांव के आदमी आ रहा है, यहीं तो जाना था हमें, ये पार भाई यहाँ पे पहुँचे और यहाँ से रास्ता बंद है, तो अभी वापस जाना पड़ रहा है। भैया बोले नीचे ही बंद किया होता, हमें पता भी नहीं चला, तो अभी हम वापस नीचे जा रहे हैं गाइस। धोखा हो गया, पोपट हो गया हमारे साथ, मसूरी में आया और ये क्या हो गया। अब कितना प्यारा घर है देखो, इतनी खड़ी चढ़ाई पे, कोई सेलिब्रिटी का क्या? हाँ ये बंद किया हुआ है ना भाई, यहाँ पे स्कूटी कैसे चढ़ती होगी इस चढ़ाई। रुक जाओ बाबू रुक जाओ, कहाँ जाएगा ये अंकल। देखो मीटिंग करने खड़े हो गए बीच में, तो हम वापस नीचे रोड पे आ गए। अब रोड से ही जा रहे हैं भाई, ऊपर वाला रास्ता हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि बंद ही था, तो क्या करें, चलते हैं भाई यहीं से। के अंदर हम इंटर हो चुके और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठंड का फील होने लगा हवा में ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी, बट हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम और ऊपर जाएंगे जहाँ पे हम जाना है, जिसके लिए हमने जैकेट पहन के आए वो फील करना है, तो इसलिए हम निकल गए। और ये पार्किंग का गेट है, यहाँ पे आप बाइक लगा दो कार लगा दो सब पार्किंग लगा सकते हो बस। एक्चुअली ये रोड का काम चल रहा है ना, इस वजह से थोड़ा जाम है, ये मशीन खड़ी है, ये रात में काम करती होगी ना। हाँ ये रात में काम करते होंगे ना, रात में ट्रैफिक नहीं रहता इसलिए। के अंदर इंटर कर गए, ये मसूरी है भाई, और ये पता नहीं लाइब्रेरी चौक है। और अपने को किधर जाना है ऐसे? तो भाई ये मसूरी की भीड़ देखो, और अभी हमारा ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, है ना जी? अभी नहीं स्टार्ट होगा, ऑफ रोड स्टार्ट नहीं होगा, बट खड्डे वड्डे वैसे भी स्टार्ट हो गए, एक्सपल्स में कोई दिक्कत नहीं होती खड्डों वड्डों में, मॉल रोड में रात को घूमने लायक है। लिटिल बिट ऑफ रोड स्टार्ट हो गया, लिटिल बिट ऑफ रोड, ऑफ रोड ऑन रोड, ऑफ रोड ऑन रोड मिक्स आ रहा है। जैसे ये रोड आ गई तो आगे ऑफ रोड आएगा, ऐसे चल रहा है। ये देखो यहाँ बर्फ़ गिरती है ऊपर, जॉर्ज एवरेस्ट है ये भाई, ये जॉर्ज एवरेस्ट है और यहाँ पे बर्फ गिरती है, बहुत भयंकर बर्फ़ गिरती है। और सबसे टॉप है ये 7000 फीट के ऊपर, हम सबसे टॉप ट्रैकिंग करके जाते हैं भाई। किसी दिन हमारे टांगे पूरी सही हो जाएगी तो हम भी आएंगे, बट रूट भाई ऑफ रोड ऑन रोड, ऑफ रोड ऑन रोड मिक्स है सब ना। ये देखो भाई ऑफ रोड, एक्सपल्स ने सोची नहीं होगी यहाँ तक। और नीचे देखो, ओ भाई क्या खाई है, भयंकर खाई भाई भयंकर। अगर यहाँ से जाएंगे ना तो घर क्या, हम खुद भी जाएंगे ब्रो। तेरा घर नहीं कुछ नहीं बचेगा, बट यहाँ पेड़ बहुत है ना, तो अटक जाएंगे लोग ना, इतना नीचे नहीं जाएंगे।
जा रहे हैं ना उस स्थान की सबसे पॉजिटिव वाइब्स ये है कि एक तो अच्छा फील हो रहा है, दूसरी बात है कि यहाँ पे जो भी जाता है उनके साथ कोई हैपनिंग कोई मिस हैपनिंग नहीं होती है, मतलब कभी भी। ये पंडित जी का वहाँ का कहना है और गाड़ी भी पंचर नहीं हुई, वरना आप रोड देखो कभी कोई गाड़ी पंचर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब अच्छी बात है यार। देखो भगवान के लिए जब भी जाते हो तो फीलिंग होती है आपको ना अलग ही। और मैं इस टूर पे ना हरिद्वार घूमा, जितने भी तीर्थ स्थान जो भी अच्छी अच्छी जगह है ना वहाँ घूमा, घूमने ही वही आया था क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो जब आप ऊपर वाला जब आपको आशीर्वाद देता है तो फिर अच्छा देता है वही। अगर मैं सिंगल होऊंगा ना गोली की तरह जाऊंगा, गोली की तरह ऐसे जाऊंगा रॉकेट की तरह एक्सप्रेस। और टेंपल के रास्ते में रुके हैं, अभी तक टेंपल का रास्ता और लंबा है तो हम रुक गए मैगी और चाय पीने के लिए। ओ भाई भाई सब स्लीप हो जाता, अभी मेरे को दिखाई नहीं नीचे। और यहाँ से ये व्यू डाउन देखो कितना गहरी है, और वो एक सामने नदी चल रही है सामने छोटी सी। उत्तराखंड का जो नेशनल फ्लावर है बुरास, हाँ। ये है। ओ ये देखो कितना प्यारा पेड़ लगा हुआ है, इसका जूस भी निकलता है। हाँ ये भाई नेशनल फ्लावर है बुरास उत्तराखंड का, कितने प्यारे से फूल लग रही है। यहाँ मैगी खाई जाएगी, चाय पी जाएगी और आराम से बैठ के व्यू देखेंगे। तो मैं कहता हूँ कि लोकल के साथ घूमना चाहिए। एक धोखा हो गया हमारे साथ, एक धोखा हो गया, हम कैश कैरी नहीं किया बिल्कुल भी, और यहाँ पे UPI फोन पे कुछ चल नहीं रहा। तो मैं उधर गया नेटवर्क देखने के लिए, नेटवर्क तो आ गया पेमेंट हुआ नहीं, तो मेरे को एक बार वापस जाना है वहाँ पे, अंकल से स्कैनर लेके आना है, फिर वापस वहाँ जाना है अपोजिट साइड, वहाँ से फिर पेमेंट होगा। और ये कैफ़े, आप जब भी इस वाले रूट पर आते हो तो कैश कैरी कर लेना, मेरे को इसने याद दिलाया नहीं, मेरे को पता ही नहीं था, मैंने कहा चलता होगा नेटवर्क, पोपट हो गया यार। कह रहा हूँ भाई अंकल का बार कोड लेके इस पहाड़ी पे उधर जाऊँगा, तब जाके नेटवर्क आएगा और फिर पेटीएम कर पाऊँगा मैं अंकल को। लिया पेमेंट हो गया फाइनली, मैंने अंकल को 250 कर दिया, 200 हमारा मैगी और उसका मिला के हो रहा था, 50 मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, एक पानी की बोतल ले लेंगे उसके लिए, मैंने कहा 250 कर दिया अंकल को, हो गया फाइनली पेमेंट, खुशी हो रही बड़ी। कैश लेके आ दो घर से भाई, हम कैश लेके ले कैरी कर लेते देखो थोड़ा तो तुम्हें सफ़र कर रहा हूँ। हाँ ये भाई साहब, बट कोई नहीं पेमेंट हो गया। और अंकल ने यहाँ पे पौधे लगा रखे बहुत प्यारे यार, देखो क्यूट से, और इतना डाउन, अब फिल्म में आके मैगी ना खाए तो क्या। देखो भाई पहाड़ों की मैगी और ये थुपा, यहाँ का लोकल फूड है थुपा तो बहुत। हाँ तो भाई ये लोकल वही खा रहे हैं, और अपन ये, हाँ जी अंकल ने कॉफ़ी और मैगी बहुत प्यारी बनाई, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे इस वाले रूट पे कोई भी आते हैं भाई, इस वाले रूट पे कोई भी आते हैं तो आप ये वाली जगह देख लेना, ये देखो इनका अंकल का कैफ़े का नाम है, ये वाला मैगी पॉइंट का भद्राज कैफ़े। और जब आप मतलब यहाँ पे, जब आप यहाँ पे इस वाले रूट को आधा कंप्लीट कर लो, आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर लोगे तब जाके ये आएगा, और यहाँ के बाद में फिर बहुत नज़दीक है ना मिंदर, हाँ पास ही है, पास ही है, तो रुकना, लेकिन ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, फेवरेट जगह है। और बहुत अच्छा मतलब नीचे व्यू दिख रहा है, हमने एक छोटी सी रील शूट करी मैगी के साथ में, अब एक कॉफ़ी का शॉट डालेंगे बढ़िया वाला। भाई हम ऐसे पहुँच नहीं रहे थे तो हमने इसको बुला लिया हमको छोड़ने के लिए, ये जा रहा है, बट हमने सोचा अब यहाँ पे कहाँ उतारेंगे इसको कहाँ नहीं उतारेंगे, मैंने कहा अब तुम आगे चले जाओ हमें बाइक पे ही चले जाएंगे। ऐसे देखो ओके अंकल बाय बाय, अच्छा लगा बहुत अच्छा खाना था। तो भाई हम जा रहे हैं अभी, हमने अंकल के पास मैगी वैगी खा ली, चाय कॉफ़ी पी ली, अब हम जा रहे हैं आगे के लिए। यहाँ से 5 किलोमीटर है पूरा पहाड़ी एरिया है भाई, कितना प्यारा व्यू है और खेती कर रखी है, मज़ा आ गया देख के। और हमारा मैगी पॉइंट पीछे रहा, हम अभी ऊपर से दिखाएंगे, और वहाँ पे जाना है साहब, कितनी खड़ी चढ़ाई है आप देखो, बहुत सही बहुत सही। यहाँ बड़ी बाइक तो कोई ला नहीं सकता, मतलब बड़ी बाइक के लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, बट छोटी बाइक है ना तो इसलिए आराम से आप आ सकते हो और आराम से जगह एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ की। अब सोचो देहरादून मसूरी में ऐसी जगह है, बहुत कम ब्लॉगर आए होंगे यहाँ पे, मेरे को नहीं पता कोई आया है नहीं आया, मे भी मेरे को नहीं पता, बट मैं आया हूँ। मैंने एक कहते ना भगवान से एक इच्छा थी कि अच्छे अच्छे दर्शन हो जाए,
थोड़ा सा जिंदगी में पॉजिटिव वाइब्स आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए। और बहुत सही, कितना प्यारा लग रहा है फ्लैग, कितने प्यारे लग रहे, एकदम खुला मैदान है और इतने प्यारे लग रहे हैं ना फ्लैग। ओए होए होए बेहतरीन। ये देखो भाई लोग कोई आए हैं, KTM पे है, एक्सपल्स पे है, हिमालयन भी है, क्या बात है। और ये जावा भी है, और ये ऑफ रोड, ये मतलब है ना लैंडस्लाइड होती थी तो पत्थर काट के वापस रूट बनाते, बाकी ये वाला कच्चा है, बाकी पूरा पक्का था। रोड भी तो है तो स्मूथ है, चलाने लायक है ना, बाइक आराम से चल रही है। मंकी बड़े वाले बंदर है भाई यहाँ पे। ओ भाई पूरा फाइनली मंदिर भाई, और बहुत बड़ा बना हुआ भाई, सही है सही है भाई साहब। और भी लोग आए हुए हैं स्कूटी विस्कूटी लेके, फाइनली भाई पहुंच गए, मतलब ना जिस चीज के लिए सुबह से निकले हुए थे। सोचो इतना अगर ट्रैक करके आना होता तो बैंड बज जाती भाई, श्रद्धालु आते। हाँ अभी यहाँ से चल के जाएंगे ऊपर और दर्शन करवाते हैं आप लोगों को भी, हम लोग भी दर्शन करते हैं। देहरादून घूमने के लिए मसूरी माल रोड, ये रोड वो रोड, हम आए नेचुरल ब्यूटी के अंदर। ये देखो ये भाई कितना, ये देखो ये भाई कितना प्यारा लग रहा है, और ये लग रहा है मेरे को मार्बल का बना हुआ। ओ भाई साहब सोचो आप, हम बाइक पे यहाँ आने में हमारी बैंड बज गई थी, ये मार्बल का बना हुआ भाई। और ये देखो आप कितना प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे बर्फ भी गिरती होगी। हाँ वो देखो भाई सामने पूरा मसूरी, मसूरी तो क्या दिख रहा है उधर है, देहरादून दिख रहा है ये साइज मेरे हिसाब से। ये वाली भी चढ़ाई बहुत भयंकर है, चढ़ते चढ़ते इसमें भी सांसें फूल गई है, बट टेंपल में जा के रहेंगे, आप लोगों को दर्शन करा के रहेंगे। इस चीज़ के लिए आए थे वो ये रहा मंदिर, और ये रही घंटी, ये बजा दी हमने घंटी, चल रहे हैं ऊपर ठीक है। और ये पूरा मार्बल का बना हुआ है, और अभी मार्बल का बन रहा है, मतलब काम चालू है ठीक है। और बहुत मतलब बड़ा है ये मार्बल का बना हुआ, ऐसा नहीं कि मतलब छोटा है, बहुत बड़ा है ये देखो, बहुत बड़ा है, मतलब अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है ये देखो। अभी अंदर जाके दिखाते हैं, प्योर मार्बल का, और काफ़ी लोग मतलब आए हुए हैं यहाँ पे, लोग आते हैं बैठे हैं, हम भी थोड़ा अंदर दर्शन वर्शन करके बैठेंगे थोड़ा सा मतलब राइट। और यहाँ से ये व्यू दिख रहा है पूरा, और ये है मंदिर का फ्रंट ठीक है। चलते हैं अंदर, हेलमेट यहाँ, अंदर में इतना सूट नहीं कर पाए क्योंकि मना था अंदर सूट करना, तो हम बाहर आ गए और यहाँ ले गए। ये हमारी दोस्त भैया प्लीज भैया ब्लॉग, तो हम भैया का वेट कर रहे हैं, भैया जैसे ही बंद करेंगे लोकेशन पे कौन ले गया। ये रहे हमारे अलीसा थॉमस जी जो हमें यहाँ तक लेके आए। देखो अपना एक हर जगह पे जहाँ पे जाते ना एक दोस्त होना बहुत जरूरी है, और मैं रेस में हम साथ में थे तो मैंने यहाँ आने के टाइम जैसे हरिद्वार भाई को बोला, जैसे माल रोड वगैरह तो नॉर्मल हर बंदा घूमता है, बट अच्छी जगह और अच्छी मतलब ऐसी पॉजिटिव एनर्जी और जगह पे घूमना, मतलब आपको हर एक जगह पर कोई सिटी का लोकल घूमना। तो इनके चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया, पचास मेरी तरफ से डाल देना, तो बस भाई सपोर्ट करना। लड़की बनाती है थोड़ा बहुत अपना जितना मन करता है उतना शूट करती है, घूमती बहुत है भाई, ये पूरा देहरादून में जगह जगह अच्छी अच्छी जगह घूमती है, सबसे बड़ी बात ये है ना भाई। हम लोग तो बाइक पे आए हैं ठीक है, मैंने एक कपल को देखा नीचे, कपल नहीं है दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड ना। हाँ भाई सॉरी भाई कपल नहीं है, बेस्ट फ्रेंड है, बॉक्सर हो एथलीट है भाई, मैं एक्चुअली ऑफ रोड राइडर हूँ प्रोफेशनल ना, और इंडिया वगैरह मतलब टूर्नामेंट करता हूँ, वो मैं बहुत बाद में बताएंगे, बट इनके लिए एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, ये पूरा ट्रैक जहाँ से हम रोड से स्टार्ट किया था हम ऐसे, और ये पैदल आ रहे हो आप भाई, ट्रैक करके आ रहे यार भाई, बढ़िया भाई, बहुत सही भाई बहुत मतलब ये कम से कम होगा 20 किलोमीटर का होगा, बट बहुत बाइक पे ऐसा लग रहा था अरे यार सेकंड गियर फर्स्ट गियर में चल रही थी, और ये पैदल बदला है, बहुत सही भाई, हाँ और वापस भी जाओगे आप। हाँ। भाई साहब बेहतरीन भाई, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक,
और बॉक्सिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए संतोष बिश्नोई। गोप्रो की बैटरी तो हो गई डेड, तो अभी मैंने बैटरी दूसरी लेके आया था बैकअप में, और ये जो इसकी डेड हुई थी ये मैंने डाल दी जेब में और चार्ज वाली बैटरी डाल दी है, और हम अभी रेडी हो गए थे। जैकेट हमने निकाल रखा है तो जैकेट हम पहन लेंगे अभी, और जैकेट पहन के यहाँ से बाइक पे बैठ के वापस उतर जाएंगे। कहाँ पे? मॉल रोड ना, मॉल रोड अभी जाएंगे हम, इसके बाद जाएंगे मॉल रोड। तो भाई लड़की बहुत सही से घुमा रही है, बहुत अच्छी सी जगह दिखा रही है, तो मतलब क्या बात है, थैंक यू, वेलकम। तो अभी हम से चलते हैं और आपका सीधा मोटो ब्लॉग सेटअप, मोटो ब्लॉग देखना आप, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, गोप्रो लग जाएगा तो गोप्रो में स्टार्ट हो जाएगा।